क्वेश्चन दिया डिफाइनिंग टेरिटरी ऑफ द एनर्जेटिक एक्सपेंसिव इन एंड एनिमल शुड इन्वेस्ट देयर ओन इन दिस ओनली इट्स प्रोटेबल सनफ्लावर स्पीसी डिपेंड ऑन दिस प्लांट स्पीसीज यानी सनफ्लावर स्पीसीज प्लांट स्पीसी डिपेंड है दे कंटेन ऑफ नेक्टर रीच फ्लावर यानी कि उस जो रीच फ्लावर के अंदर नेक्टर की कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए ठीक है रीच होना चाहिए मेक द इम्पोर्टेंट ऑफ सोर्सेज यानी कि जो इम्पोर्टेंट भी रिसोर्स भी इम्पोर्टेंट है ठीक है फॉर दिस सन बर्ड्स मेल एंड मे बी डिपेंड ऑन द टेरेटरी कंटेनिंग ऑफ दीज प्लांट्स अगेंस्ट अदर मेल एंड वाइल द अलाउिंग द फीमेल टू एक्सेस एक्सेस द फ्लावर इन दिस वे टू कीप द कंपिटिशन आउट ऑफ नेट गेट एक्सेस द फ्लावर कॉलम बिलो द पी एस और रिप्रेजेंटेड करेक्टरिस्टिक ऑफ देयर रिसोर्सिस एंड देयर वेरी वराइटीज फर्स्ट और सेकेंड ठीक है तो ये मेन तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है द कॉलम पी और क्यू और आर और एक नेक्स्ट है एस और दे रखा है ठीक है चार कॉलम दे रखे हैं पहला बेसिस है अबंडेंस ऑफ द फ्लावर इन दिस हैबिटेट इन फ्लावर की अबंडेंस के बेसिस पे लो होगी या हाई होगी ठीक है वैसे नेचुरली बात है फ्लावर की अबंडेंस तो ज़्यादा ही होना चाहिए कॉमन सेंस है ठीक है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्लावर इन दी हैबिटेट यूनिफॉर्म होगी या पैचेज की होंगी यानी कि इसमें भी कॉमन सेंस लग सकती है यूनिफॉर्म थी हो नहीं सकती ठीक है पैचेज के अंदर होगी ठीक है कॉलम आर क्या है नेक्टर डिप्लीटेशन रेट इज ऑफ फ्लावर तो इसके अंदर भी क्या है दो ऑप्शन दे रखे हैं हाई होगा तो लो होगा तो ऑब्वियसली इज लो होगा ठीक है और तीसरा चौथा है कॉलम एस एस में क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है नेक्टर रिन्यूएबल रेट ऑफ फ्लावर कैसा होगा रिन्यूएबल रेट तो हाई ही होगा तभी जाके तो सिस्टम चलेगा तो इसका मतलब हाई होना चाहिए नेक्टर का ठीक है तो सनफ्लावर तभी तो अट्रैक्ट होंगे तभी तो सकिंग करेंगे ठीक है तो फॉर द गिवन द ऑप्शन चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट करेक्टरिस्टिक द मेकिंग डिपेंडिंग ए टेरिटरी मोस्ट प्रोटेबल फॉर द मेल ठीक है तो अब ऑप्शन क्या है फर्स्ट का क्या है इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ पहले ही तो सेकंड इसका ऑप्शन है पी का वन अबंडेंस कितनी होनी चाहिए फ्लावर की अबंडेंस पी का वन क्या है जो अबंडेंस ऑफ फ्लावर इन इन दी हैबिटेट के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है ज़्यादा होगी अबंडेंस ठीक है और कॉलम के क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर इन दी हैबिटेट के अंदर यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकती पैसेज के अंदर होगी क्यू का क्या है कि क्यू का सेकंड है यानी पैसेज के अंदर होनी चाहिए ठीक है सेकंड ये पैसेज के अंदर ओनली ठीक है और तीसरा नेक्टर डिप्लीटेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लावर तो इसके अंदर ऑफकोर्सली दो ही ऑप्शन है हाई होगी लो होगी तो क्या होगा लो होगी डिप्लीटेशन रेट ठीक है नेक्टर की आर के अंदर और एस के अंदर क्या है नेक्टर की रिन्यूएबल रेट ऑफ फ्लावर के अंदर हाई होगी ठीक है हाई होगी तो ऑप्शन ये एस का फर्स्ट हो गया और आर का सेकंड हो गया ठीक है एस का फर्स्ट हो गया हाई होगी रिन्यूएबल रेट हाई होगी और सेकंड का आर का से क्या है सेकंड हो गया हाई होगी ना लो होगी नेक्टर डिप्लीटेशन रेट क्या फ्लावर के अंदर लो होगी और क्या है क्यू के अंदर क्यू का सेकंड हो गया सेकंड ऑप्शन का मतलब है पैचेज के अंदर होगी जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पैचेज यानी कि यूनिफॉर्म आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर होगी ना कि यूनिफॉर्म के अंदर होगी और अबंडेंस क्या फ्लावर के अंदर हाई होगी ना कि लो होगी तो ये क्या है बी का फर्स्ट ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है